आइए बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 9th के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है आइए सीख लेते हैं। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 हम करने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, और लिखा है एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, बीसी इक्वल 5 सेंटीमीटर एंड ईसी इक्वल 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबी। तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए फाइंड आउट कर लेंगे। साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 भी करने वाले हैं। देखिए इन द फिगर फाइंड एक्स प्लस वाई, ये फिगर आपके सामने है, हमें एक्स प्लस वाई फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों यहां पर मैंने पहले से लिख के रखे हुए हैं, ये देखिए। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये ए बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर लिख देते हैं ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है इधर, और इसके सामने जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है, यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी सी की स्क्वायर, और प्लस बेस यानी ए सी। तो इस तरीके से आइए ए बी स्क्वायर इक्वल बी सी, बी सी है हमारी 5, तो 5 स्क्वायर प्लस ए सी, ए सी है 12। तो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25 और प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144, और दोनों को ऐड किया 169 आ गया। अब ए बी इक्वल 169, इधर स्क्वायर था, मैं इधर ले आता हूँ, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, और 169 का स्क्वायर रूट होता है 13, जी हाँ 13 सेंटीमीटर, यानी ए बी की जो लेंथ आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जी हाँ ये क्वेश्चन नंबर 13। इसमें करना क्या है आपको, एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि तीनों साइड क्या है आपस में इक्वल हैं। तो ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल होती हैं, इसमें गिवन भी है, ठीक है। तो सभी साइड इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, और वो होते हैं 60-60 डिग्री के। तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी, और ये इक्वल होगा एंगल ए सी बी। मैंने सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सी इधर भी लगता है इधर भी लगता है, और ये सभी इक्वल होंगे 60 डिग्री के, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार यहाँ पर पी सी क्यू, ये जो ट्रायंगल है पी सी क्यू, ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। यहां पर अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसमें भी ये जो साइन दिए ना, ये इक्वल के साइन होते हैं, यानी ये साइड इक्वल है इस साइड के और ये साइड के। तो मैं यहां पर लिख भी देता हूं पी सी इक्वल है बच्चों यहां पर सी क्यू के, और ये इक्वल है पी क्यू के, ठीक है। तो तीनों साइड इक्वल है, तो इसके भी तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर एंगल पी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और ये इक्वल होगा एंगल पी सी क्यू के, ठीक है इस तरीके, और ये सभी इक्वल होंगे 60 डिग्री के। तो हमें ये, हमने ये निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक्स प्लस वाई कहाँ पे लिखा है, ए पर और पी पर, यानी एंगल ए प्लस एंगल पी, ये क्या है, किसके इक्वल है, एक्स प्लस वाई के। और एक्स प्लस वाई यानी एक्स की वैल्यू भी 60 डिग्री है और वाई की वैल्यू भी 60 डिग्री है, और दोनों को ऐड करते हैं तो 120 डिग्री आ गया बच्चों, ये आपका आंसर बन गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 14 है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको मेंटल मैथ में दिखा देता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखा ए बी सी डी जे स्क्वायर, ये स्क्वायर है, साइड ए बी एंड बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट पी एंड क्यू सच दैट बी पी इक्वल सी क्यू। तो ये बी पी इक्वल है सी क्यू की, वैसे इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ये लेंथ ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन दोनों इक्वल दी हुई हैं। इफ डी पी 7 सेंटीमीटर फाइंड ए क्यू, ठीक है, डी पी 7 सेंटीमीटर है तो ए क्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताता हूँ, देखिए ए बी सी डी क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर की क्या चीज़ें आपको मालूम है, क्या कंडीशन होती है, ए बी सी पहले लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी ए बी सॉरी ए बी इक्वल है बी सी के, ये इक्वल है सी डी के और ये इक्वल है ए डी के, सभी साइड इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री का तो होता ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ये 90 का बनेगा, इधर भी 90 का होगा, ये भी 90 का और ये भी 90 का। अब देखो इसके अंदर यहाँ पर ए बी इक्वल है, क्या है, ए बी इक्वल है किसके, बी सी के, ये तो गिवन है, तो और साथ में इसमें लिखा है कि बी पी इक्वल है सी क्यू के, और बी पी तो इसी लाइन पर है ना, बी पी इक्वल है सी क्यू के, तो यहां पर मैं लिख देता हूं एंड बी पी इक्वल सी क्यू के। अब हम ये भी इक्वल ये भी इक्वल, तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक है, एडिंग ए बी प्लस बी पी इक्वल बी सी प्लस सी क्यू, सॉरी यहाँ पर सी क्यू, तो ए बी और बी पी को ऐड किया तो आ गया बच्चों यहाँ पर ए पी, और बी सी और सी क्यू को ऐड किया तो आ गया बी क्यू। ठीक है बच्चों, ये तो ये आ गया। अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है ए क्यू। अब ये देखिए ये ट्रायंगल बनी है ए बी क्यू, बन रही है ना ये ट्रायंगल, ठीक है, ये वाली ट्रायंगल ये, और एक दूसरी ट्रायंगल है बच्चों ए डी पी, ये अगर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें तो ए क्यू की लेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आइए कर लेते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी क्यू एंड ट्रायंगल ये वाली ए डी पी, ए डी पी, ठीक है, सबसे पहले आप ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना हमें, तो सबसे पहले बच्चों ए बी क्यू की तो साइड ए बी इक्वल होगी ए डी क्यू की ए डी, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, तो एक तरीके से मैं इसको गिवन लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गिवन। दूसरी चीज ये वाला ट्रायंगल जो हमने लिया है कौन सा, ए बी क्यू, ए बी क्यू, तो इसका एंगल बी, ठीक है, या इसका नाम लिखेंगे ए बी क्यू, ए बी क्यू इक्वल होगा, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल जो ली हमने वो ली है यहाँ पर ये वाली, तो इसका नाम हम लिख लेते हैं बच्चों डी ए पी, एंगल डी ए पी, ये 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री का होता है, तो डी ए पी में ये लग रहा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर अब इस ट्रायंगल का बेस ले लेते हैं, सॉरी ये बेस तो हमने ले लिया है, ठीक है, ये वाला। अब हम इस ट्रायंगल का ये ले लेते हैं परपेंडिकुलर, यानी बी क्यू, तो बी क्यू इक्वल होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का, और जो दूसरी ट्रायंगल है ये वाला, ये तो हो गया ए पी, ठीक है भाई, ए डी पी में लग रहा है ना, ये तो ए डी पी में ए पी, तो यहां पर ये देखिए ये मैंने प्रूव भी कर चुका हूं, तो बी क्यू इक्वल होगा ए पी के। ठीक है, ये आप चाहे तो इसमें लिख सकते हैं प्रूव अबव, इस तरीके से, ठीक है, ये इक्वल होगा। अब तीनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली हैं, तो क्या क्राइटेरियन आएगा इसका वो भी लिख लेते हैं, ए बी क्यू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए डी पी, ठीक है बच्चों, और क्राइटेरियन आप चाहे तो इसमें RHS लिख सकते हैं, RHS, ठीक है, राइट हाइपरनिट साइड, ये वाला। तो बच्चों
ये क्राइटेरियन मैंने लिख दिया है। अब इसकी यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ, इसके नीचे थोड़ी जगह कम है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, समझ में आया। अब ए बी क्यू का, ए बी क्यू का, तो ए क्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ, ए क्यू इक्वल होगा डी पी के, ठीक है, सी पी सी टी, ये मैंने लिख लिया। तो ए क्यू इक्वल है डी पी, कितनी है बच्चों, डी पी है 7 सेंटीमीटर, डी पी है 7 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नया मेंटल मैथ है उसके अंदर यहाँ पर आंसर थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है, आप उसे ठीक कर लीजिए, 7 सेंटीमीटर वहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि जो ओल्ड इसका पुराना मेंटल मैथ है उसमें 7 ही दिया हुआ है, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अब इस 15 में बच्चों मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी में इसको हम दे देते हैं नाम बच्चों m, और इसको दे देते हैं n, ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। इन ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी ट्रायंगल में एंगल यहाँ पर, सॉरी इसके तो कोई जरूरत भी नहीं है, तो एबीसी में, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है पहले, तो यहाँ पर एंगल ए सी एम और प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी, ठीक है बच्चों, ये ए सी एम और ए सी बी, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल हो गए बच्चों लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। तो ए सी एम तो 130 डिग्री का है, हमें पहले ए सी बी फाइंड आउट करना है, तो आइए कर लेते हैं। तो एंगल ए सी बी इक्वल 180 डिग्री, ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, और यहीं पे मैं लिख लेता हूँ 50 डिग्री, ठीक है बच्चों, ये 50 डिग्री का आ गया आपका। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल ए, ये सॉरी यहाँ पर बी ए एन, बी ए एन प्लस ये बी ए एन हो गया ये वाला, और इसका नाम लिख लेते बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, यहाँ पर भी लिख लेते हैं लीनियर पेयर, ठीक है, और इसमें भी लिख देता हूँ लीनियर पेयर, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। और बी ए एन है यहाँ पर 100 डिग्री का, और बी ए सी हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर ये मैंने लिख दिया, तो एंगल बी ए सी इक्वल होगा 180, ये प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 80 डिग्री, तो ये आ गया बच्चों 80 डिग्री, ठीक है। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल लेंगे, और इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री होता है, तो आइए मैं इस पेज पर इसको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ 80 प्लस 50 प्लस एक्स इक्वल 180 डिग्री, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहे तो इसके पूरे पूरे नाम लिख सकते हैं, बी ए सी, ठीक है, ए सी बी और ए बी सी, इस तरीके से पहले नाम लिख के फिर इसको लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख लिया क्योंकि मेंटल मैथ है, शॉर्ट में मैंने लिख लिया। तो दोनों को हम ऐड करते हैं बच्चों, यहाँ पर 80 प्लस 50 हो गया 130 डिग्री, और प्लस एक्स और 180 डिग्री। अब 130 को मैं इधर ले आता हूँ, और इधर ये आकर हो जाता माइनस की फॉर्म में, तो यहाँ पर अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो आ जाता है 50 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 50 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।